प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में डीबीटी वाली इशरात चेक करने के टाइम जिन किसान का पेमेंट सेलेक्ट करने के बाद रिकॉर्ड नॉट फाउंड आ रहे, उन सभी लाभार्थी को यानी कि उन सभी किसान को पैसा मिलेगा कि नहीं और रिकॉर्ड नॉट फाउंड का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों इसी वीडियो में हम कंप्लीट जानकारी शेयर करेंगे। आप सभी लोग डीबीटी वाली इशरात पर जाके आप बेनिफिशियरी इशरात कैसे चेक कर सकते हैं और पेमेंट पर क्लिक आने के बाद रिकॉर्ड नॉट फाउंड आ रहे हैं तो इसके लिए आप सभी को क्या करना होगा, ये सारी जानकारी हम शेयर करने वाले हैं। क्योंकि किसान सम्मान निधि योजना का तरफ से लास्ट इंस्टॉलमेंट यानी कि 16 इंस्टॉलमेंट 28 फरवरी 2024 की डेट पर जारी किया है और ये जो डेट पर बहुत सारे किसानों को पैसा नहीं मिला और पैसा ना मिलने का ज़्यादा से ज़्यादा कारण बता रहा था कि EKYC और EKYC के लगे एक किसान सम्मान निधि योजना का वेबसाइट पर अपडेट आ चुका है। आप सभी को रिफ्रेश करने के बाद ऑफिशियल वेबसाइट पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का तरफ से 3-4 ऑप्शन दिखाई देगा EKYC का ऊपर, क्योंकि किसान सम्मान निधि योजना का पोर्टल जल्दी जल्द फुल अपडेट आने वाला है। इसलिए सभी लाभार्थी को 27 मार्च यानी कि दोस्तों 30 मार्च से पहले सभी लाभार्थी को EKYC करना होगा। अभी हम सवाल उठाएंगे जिन लाभार्थी को 16 नंबर का इंस्टॉलमेंट 28 फरवरी 2024 की डेट पर नहीं मिला, उन सभी लाभार्थी अपने DBT पोर्टल पर जाके बेनिफिशियरी इशरात को चेक कीजिएगा। DBT पोर्टल के यानी कि PFMS की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के लिए आपको क्या करना होगा, सिंपली कोई भी एक इंटरनेट ब्राउजर में चार्ज करना होगा ओनली PFMS। PFMS चार्ज करने के बाद इसमें सबसे पहली वाली जो लिंक मिलेगा PFMS.NIC.IN, ये वाली लिंक पर क्लिक करना होगा। करने के बाद आपके सामने और एक पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आपको PFMS की न्यू ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों ये नई वाली ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद अभी आपको ये 3 लाइन पर क्लिक करना होगा। करने के बाद इसमें जो लिखा रहा है देखिए पेमेंट इशरात, ये पेमेंट इशरात पर क्लिक करना होगा। करने के बाद नीचे जो लिखा रहा है DBT इशरात चेकर, इसी पर क्लिक करना होगा। करने के बाद आपके सामने और एक पेज ओपन हो जाएगा जिसके मदद से आप सभी लोग DBT इशरात और बेनिफिशियरी पेमेंट डिटेल्स को चेक कर सकते हैं। अभी आप सभी को क्या करना होगा, PM किसान लाभार्थी को सबसे पहले PM किसान कैटेगरी सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपको 2 ऑप्शन मिलेगा अपडेटेड और इसमें पेमेंट। सबसे पहले सभी लाभार्थी को बेनिफिशियरी वैलिडेशन पर क्लिक करना होगा। जिन जिन लाभार्थी का बेनिफिशियरी वैलिडेशन पर क्लिक करने के बाद रिकॉर्ड नॉट फाउंड आ रहे हैं उन सभी लाभार्थी को अलग काम करना होगा और जिन लाभार्थी का बेनिफिशियरी डिटेल्स पर डिटेल्स ओपन हो रहा है लेकिन पेमेंट वाली ऑप्शन पर रिकॉर्ड नॉट फाउंड आ रहे उन सभी लाभार्थी को अलग काम करना होगा। इसके लिए सभी लाभार्थी को सबसे पहले बेनिफिशियरी वैलिडेशन पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद एंटर एप्लीकेशन ID की जगह अपना रजिस्ट्रेशन नंबर पेश कर दीजिएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर पेश करने के बाद जो भी कैप्सा दिखाई दे रहे सेम कैप्सा कोड आप डाल दीजिएगा। पेमेंट वाली ऑप्शन चेक करने के टाइम भी आपको सेम प्रोसेस फॉलो करना होगा, इसलिए आप एंटर एप्लीकेशन ID की जगह डालने के बाद आप कैप्सा कोड डाल दीजिएगा। कैप्सा डालने के बाद चार्ज वाली ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा। चार्ज पर क्लिक करने के बाद आपका बेनिफिशियरी डिटेल्स ओपन हो जाएगा। जैसे कि देखिए यह लाभार्थी का बेनिफिशियरी डिटेल्स आ चुका है और बेनिफिशियरी डिटेल्स की बात किया जाए तो यह लाभार्थी का अपडेशन हुआ है 1 जनवरी 2024 की डेट पर। उसके बाद देखिए बेनिफिशियरी डिटेल्स अपडेटेड आ रहे हैं। जिन लाभार्थी का अपडेटेड आ रहे हैं उन सभी लाभार्थी का सही है और जिनका रिजेक्ट आ रहा है उन सभी लाभार्थी को पोस्ट ऑफिस पर खाता खोल के 1 महीना तक वेट करना होगा और जिनका रिजेक्ट आ रहे लेकिन क्रिएटेड आ रहे अलग कोई प्रॉब्लम बता रहे उन सभी लाभार्थी कमेंट कर दीजिएगा। उसके बाद जाना होगा ऊपर की तरफ, लेकिन जिन लाभार्थी को इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर और कैप्सा डालने के बाद चार्ज पर क्लिक करने के बाद रिकॉर्ड नॉट फाउंड करके आएगा तो उन सभी लाभार्थी को पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि बेनिफिशियरी डिटेल्स पर अगर आपका रिकॉर्ड नॉट फाउंड आ रहा है इसका मतलब आपका डिटेल्स अब तक PFMS के पास सेंड नहीं हुआ है। इसके लिए सबसे पहले सभी लाभार्थी को पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम पर लॉगिन करके यानी कि लॉगिन के मदद से आप सभी लोगों को वेरिफिकेशन करना होगा। यह वेरिफिकेशन आप सभी लोग कैसे कर सकते हैं उस टॉपिक का ऊपर मैंने ऑलरेडी आप तक वीडियो नहीं बनाया है, इसीलिए आपको कमेंट करके बताना होगा बेनिफिशियरी डिटेल्स लेकर करने के बाद आपका रिकॉर्ड नॉट फाउंड आ रहा है कि नहीं। अगर रिकॉर्ड नॉट फाउंड आ रहा है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा, आपका वेरिफिकेशन हमारी तरफ से कर दिया जाएगा। अभी आपको क्या करना होगा, पेमेंट पर क्लिक करना होगा। पेमेंट क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन नंबर सेम डालना होगा और उसके बाद सिम कैप्सा डाल के चार्ज पर क्लिक करना होगा। चार्ज पर क्लिक करने के बाद जिन लाभार्थी का रिकॉर्ड नॉट फाउंड आएगा उन सभी लाभार्थी को कुछ दिन वेट करना होगा और सबसे पहले आप सभी को यह फॉलो करना होगा कि आपका बैंक अकाउंट कौन सी लिंक है। अगर आपका बैंक अकाउंट इंडिया पोस्ट पेमेंट से लिंक है उसके बाद भी रिकॉर्ड नॉट फाउंड करके आ रहे तो आपको इसी महीना कंप्लीट वेट करना होगा, क्योंकि किसान सम्मान निधि योजना की तरफ से अप्रैल महीना में अपडेट होगा। उसके बाद सभी लाभार्थी का जो डिटेल्स
अपने जो रिकॉर्ड है ये PFMS के पास ऑटोमेटिक सेंड होगा, और सेंड होने के बाद इसमें रिकॉर्ड नॉट फाउंड की जगह आपका अपडेट आ जाएगा। लेकिन जिन जिन लाभार्थी का पोस्ट ऑफिस पर खाता नहीं है और रिकॉर्ड नॉट फाउंड आ रहे हैं, उन सभी लाभार्थी अपने आधार कार्ड से एक पोस्ट ऑफिस पर खाता खोल कर DBT NPCI को एक्टिव कीजिएगा। एक्टिव करने के बाद रिकॉर्ड नॉट फाउंड आ जाएगा। पेमेंट वाली सेक्शन पर क्लिक करने के बाद अगर आपका रिकॉर्ड नॉट फाउंड आ रहा है, इसका मतलब यह है कि आपका डिटेल्स तो PFMS के पास सेंड हो चुका है लेकिन आपका पैसा अब तक रिलीज नहीं हुआ है, जिसके वजह से आपका पेमेंट वाली डिटेल्स पर पेमेंट ऑप्शन ओपन नहीं हो रहे। अगर आपका बेनिफिशियरी डिटेल्स पर रिकॉर्ड नॉट फाउंड आ रहे, इसका मतलब आप PFMS के तरफ से किसान नहीं है। इसके लिए सबसे पहले आपको PFMS के पास वेरिफिकेशन करना होगा। अभी आप सभी को कमेंट करके बताना होगा रिकॉर्ड नॉट फाउंड का ऊपर। अगर आपको और भी जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट डाल दीजिएगा, हम रिप्लाई जरूर करेंगे। दोस्तों के साथ ये वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, एक लाइक कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।